हेलो फ्रेंड्स, फूडीज एंड गुडीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज मैं कैंडल्स बनाने जा रही हूँ। तिरंगे कलर्स में मैं कैंडल्स बनाऊँगी। सबसे पहले मैंने जूस का कार्टन लिया है और उसको मैंने टॉप से उसको अलग कर दिया है। तो इस तरह से ये हमारा सांचा बन गया है जिसमें मुझे कैंडल बनानी है। इसके अंदर मैं विक जो है वो ग्लू कर दूँगी और उसकी सपोर्ट के लिए एक पिन रख दूंगी ताकि वो इधर उधर हिले नहीं, अपनी जगह पे जम जाए। और गैस पे मैं वैक्स गर्म होने के लिए रख दूंगी और गर्म होते ही मैंने इसको फिल कर दिया है और इसको मैं जमने के लिए छोड़ दूंगी 2-3 घंटे के लिए। और जब तक ये अभी जम चुकी है, इसका मैं रैपर जो ऊपर वाला है वो निकाल दूंगी और इसके बीच में से कैंडल निकल आएगी। तो ये हमारी कैंडल बन गई है, अच्छे से जम चुकी है। रैपर को अलग करके अब मैं इसके ऊपर थोड़ी डेकोरेशन करूँगी। मैंने बाउल में पानी डाल लिया है, उसमें मैंने नेल पेंट डाला है और तिरंगा कलर की मैं डाल रही हूँ। ग्रीन डाला है, वाइट डालूँगी, फिर ऑरेंज डालूँगी। उसी में कैंडल को फिर मैं डिप करूँगी ताकि उसके ऊपर डिज़ाइन आ जाएगा तिरंगे तिरंगे कलर्स में। और ये मुझे इनफ नहीं लग रहा है इसलिए मैं इसको थोड़ा दोबारा से और रेडी कर लूँगी ताकि चारों तरफ से अच्छे से कोट हो जाए। तो ये फिर मैंने और रेडी कर लिया है, इसमें वाइट और मिला लूँगी और जो पोर्शन रह गया है उसको भी कवर कर लूँगी। तो इस तरह से ये हमारी कैंडल बनकर तैयार है। और अब मैं दूसरा एक कार्टन लिया है, टूथपेस्ट का कार्टन है लेकिन छोटा वाला है, बेबी का होता है जैसे। तो इसका भी मैंने एक टॉप वाली साइड जो है वो हटा दी है और पर मैं नीचे इसके ये लगा दूँगी ताकि उसमें से वैक्स लीक ना करे, क्योंकि ये इतना स्ट्रांग नहीं होता, नीचे से थोड़ा खुला हुआ होता है। तो इसलिए मैंने इसके ऊपर टेप लगा दी है। और अब मैं इसका ना साइज़ ले लूँगी और ये मेज़र करने में 5 इंचेस है तो मैं 1.5 इंच के फासले पे लाइन लगा दूँगी, निशान लगा लूँगी ताकि वैक्स डालने में मुझे इजी रहे। और यहाँ निशान लगाया है मैंने, वहाँ पे एक मैंने पिन लगा दी है ताकि अंदर से वो मुझे पता चलता रहे कि कितना भरा है। तो सबसे पहले मैंने ग्रीन कलर डाल लिया है, तो जहाँ तक वो पिन है वहाँ तक डाला है। अब उसके बाद मैं इसमें वाइट कलर डालूँगी और पिन को मैंने दूसरी तरफ मूव कर दिया है, दूसरे निशान के ऊपर। पिन लगाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि दिखता रहे कि कहाँ तक मुझे भरना है, ज़्यादा ना हो जाए या कम ना रह जाए। कोशिश यही रहेगी कि तीनों कलर बराबर बराबर रहें। और बाकी जो वैक्स बची हुई है उसके लिए मैंने छोटी छोटी कैंडल्स, टी लाइट कैंडल्स ये बना रही हूँ। तो बाकी अब मैं ऑरेंज कलर डाल के इसको गर्म करने के लिए रख दूँगी और गर्म होते ही मैंने इसमें लास्ट कलर ऑरेंज कलर भी इसमें डाल रही हूँ। तो इस तरह से इसको मैं जमने के लिए छोड़ दूँगी और बाकी की जो बचा हुआ वैक्स है उसकी भी कैंडल्स बना लूँगी। तो इस तरह से आज हमारी सारी कैंडल ऑरेंज, ग्रीन और तिरंगे के कलर की हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।